और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुड़गांव के रियान इंटरनेशनल स्कूल से खबर आ रही है, जहां पर स्कूल के परिसर के भीतर ही बच्चा का कत्ल कर दिया गया है। बच्चे का शव स्कूल के टॉयलेट में मिला है, जहां उसका गला रेतकर उसकी हत्या की गई। 7 साल का मासूम दूसरी क्लास का छात्र था। सुबह ही उसके पिता ने उसको स्कूल छोड़ा था, जिसके 1 घंटे बाद उसकी मौत की खबर आ गई। स्कूल की ओर से अब तक इस मामले में कोई बयान नहीं आया है। वही पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रियान के सोना रोड स्कूल का ये मामला है। सोना रोड पर स्थित रियान इंटरनेशनल स्कूल, जाना माना स्कूल गुड़गांव का, जहां से ये दिल डरा देने वाली खबर। क्लास 2 में पढ़ने वाले 7 साल के इस मासूम का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। लाश बाथरूम में पाई गई, खून आसपास फैला हुआ था। और आपको ये भी बता दें कि स्कूल प्रशासन की ओर से फोन भी गया था उसके माँ बाप को कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, जिसके बाद जब वो स्कूल पहुंचे तब इस बच्चे की मौत की खबर उन्हें मिली। टॉयलेट में मिला 7 साल के बच्चे का शव। अब से कुछ ही देर पहले ये खबर आई, हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से 7 साल का मासूम, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये रायन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था। रायन इंटरनेशनल स्कूल गुड़गांव के सोना रोड पर स्थित है। वहां पर जब परिजन पहुंचे तो ये दिल दिला देने वाली खबर उन्हें मिली। और रो रो कर बुरा हाल इस वक्त माँ बाप का। जाहिर तौर पर सुबह सही सलामत ये बच्चा स्कूल गया था, माँ बाप खुद इसे स्कूल तक छोड़ के आए थे। उसके कुछ ही देर बाद उन्हें एक फोन आता है स्कूल की तरफ से कि आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। जब ये वहां पहुंचते हैं तो उन्हें खबर ये मिलती है कि बच्चा अब मृत है। जाहिर तौर पर हैरान कर देने वाला ये मामला। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। सोना रोड पर रियान इंटरनेशनल स्कूल का ये मामला, जहां पर बच्चे का शव पाया गया। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। कुणाल, सबसे हैरान कर देने वाली बात इस पूरे मामले में ये है कि पहले स्कूल प्रशासन की तरफ से फोन आता है, ये कहा जाता है कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जब परिजन वहां पर पहुंचते तो मामला बिल्कुल उलट निकलता है, हत्या की खबर उन्हें मिलती है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है। बड़ा नाम है स्कूल का, और रियान इंटरनेशनल स्कूल जो है, जो सोना रोड पर है, अपने आप में गुड़गांव का एक बड़ा स्कूल है। और वहां पर सुबह तकरीबन 7:45 बजे ये सूचना मिलती है, और ये अपने आप में इसलिए बड़ी बात है क्योंकि गले पर भी शुरुआती तौर पर निशान पाया गया है। जिस बच्चे को की डेड बॉडी मिली है उसके गले पर निशान पाया गया है, और ऐसी आशंका जताई जा रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। कुणाल, नीरज इस वक्त गुड़गांव से सीधे जुड़े हैं हमारे साथ। नीरज, क्या आप ऑन द स्पॉट मौजूद हैं, रायन इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए मैं रियान इंटरनेशनल स्कूल तो जो कि सोना रोड के भोंसी में स्थित है, वहां पे मौजूद हूँ। और यहाँ पे जो है 12:30 बजे की तकरीबन जो है वो बच्चों की छुट्टी की जानी थी, लेकिन 11:40 के ऊपर जो है वो बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। इसी मामले को लेकर सुबह तकरीबन 8:30 बजे के करीब जो है इस बच्चे की जो डेड बॉडी है ये स्कूल के जो है टॉयलेट से बरामद की थी। इसके बाद जो है इस पूरे मामले की इत्तला जो है गुड़गांव पुलिस को दी गई थी। गुड़गांव पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जब जांच शुरू की तो बच्चे के जो गर्दन के ऊपर जो है वो कुछ कट का निशान था, यानी कहीं ना कहीं आशंका गुड़गांव पुलिस जरूर जो है लगाई जा रही है कि बच्चे की गला रेतकर जो है वो हत्या की गई होगी। फिलहाल जो है बच्चे की जो डेड बॉडी है वो कब्जे में लेकर जो है पूरे मामले की जांच गुड़गांव पुलिस का दावा जरूर शुरू कर दिया है। जी नीरज, जब स्कूल प्रशासन से किसी से बात हो पाई हो आपकी, वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि पहले ये खबर उनकी तरफ से दी गई कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, फिर उसके बाद जब परिजन वहां पहुंचे तो अचानक उन्हें पता चला कि बच्चे की हत्या कर दी गई है। आखिरकार ये गड़बड़ झाला है क्या? बिल्कुल, देखिए अभी इस पूरे मामले से हालांकि स्कूल प्रबंधन कुछ भी बोलने से कैमरे पर साफ तौर से इंकार कर रहा है, लेकिन गुड़गांव पुलिस के अधिकारी जरूर जो है अभी बच्चे के परिजनों की शिकायत के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, और जो सीसीटीवी कैमरा है स्कूल के अंदर के उनको अपने कब्जे में ले लिया है, और जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा जो है गुड़गांव पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। गुड़गांव पुलिस इस मामले में क्या पक्ष रख रही है? उन्होंने क्या कहा है कि प्रत्यक्ष रूप में ये हत्या का मामला जरूर है, लेकिन शव की सुई किसकी तरफ जा रही है? देखिए शक की सुई जो है स्कूल के अंदर टॉयलेट के अंदर ये डेड बॉडी मिली है, तो कहीं ना कहीं शक की सुई जो है वहाँ पे जो कार्यरत कर्मचारी हैं या फिर कुछ बच्चे भी इसमें जो है शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये सीसीटीवी फुटेज के बाद जो है ये साफ हो पाएगा कि आखिर इस पूरे मामले की इस पूरी वारदात को अंजाम किसने दिया। गुड़गांव पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है, और तमाम जो पुलिस अधिकारी है वो मौके पर मौजूद है और मामले की जांच जारी है। जी नीरज, एक नामी स्कूल है, जाहिर तौर पर वहां पर स्टाफ भी बड़ी संख्या में मौजूद होता है, जो क्लासरूम होते हैं या फिर टॉयलेट्स होते हैं उसके आसपास आया होती हैं, कई चौकीदार होते हैं, टीचर्स होती हैं, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर
पूरे सबे जो एरिया होता है, जो कैंपस होता है, वहां पर गहमा गहमी रहती है, वहां पर लोग मौजूद रहते हैं। ऐसे में इस तरह से टॉयलेट में हत्या हो जाना जाहिर तौर पर चौंकाने वाली बात है। देखिए, दूसरी क्लास का बच्चा है और तकरीबन 7 साल इसकी उम्र है, और जिस तरह से ये डेड बॉडी टॉयलेट के अंदर मिली है, तमाम सवाल जो है स्कूल प्रबंधन के ऊपर भी खड़े होते हैं कि आखिर किस तरह की जो है बच्चों के लिए, बच्चों के साथ जो है वो बर्ताव जो है स्कूल के अंदर किया जा रहा था। फिलहाल जो है जब वो जो स्कूल की आया है या फिर जो कर्मचारी है उन सभी से जो है गुड़गांव पुलिस के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं और जल्दी ही इस पूरे मामले का खुलासे की दावा भी गुड़गांव पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। नीरज, क्या सीसीटीवी फुटेज अभी तक पुलिस प्रशासन ने हासिल किया है, उससे क्या कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी फुटेज जो है वो जरूर बाहरी तौर के ऊपर लगे गए हैं। अभी जो है मीडिया को जो है अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है, लेकिन जरूर अंदरूनी तौर के ऊपर जो सीसीटीवी फुटेज है वो लगाए गए हैं, और ये सारे सीसीटीवी फुटेज जो है वो गुड़गांव पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं और तमाम जो अधिकारी हैं इन सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं और जल्दी इस पूरे मामले के खुलासे का दावा जो है गुड़गांव पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। सभी जो है कर्मचारियों से जो है वो पूछताछ की जा रही है जो उस वक्त जो है उस टॉयलेट के आसपास मौजूद थे। बने रहिए हमारे साथ नीरज, आपके पास लौटेंगे, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन बेहद चौंका देने वाला ये मामला, क्योंकि नामी गिरामी ये स्कूल है, रायन इंटरनेशनल सोना रोड पर स्थित है। बाथरूम में बच्चे का गला रेता गया, किसी ने चीख भी नहीं सुनी, ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। बच्चे को अस्पताल जाने में देरी आखिरकार कैसे हुई? सीधे तौर पर ये लापरवाही का मामला है। नामी स्कूल में क्या बच्चा सुरक्षित नहीं है? तमाम सवाल उन माँ बाप के जहन में भी आ रहे होंगे जो रोज अपना बच्चा स्कूल भेजते हैं इस उम्मीद पर कि स्कूल पूरी तरह से उन्हें सुरक्षित रखेगा। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। कुमार, ये कोई ऐसा स्कूल नहीं था जहां पर स्टाफ ना हो, जहां पर टीचर्स ना हो, एक नामी गिरामी स्कूल है, राय इंटरनेशनल सोना रोड पर स्थित है। यहां पर बड़ी संख्या में टीचर्स, बच्चे सभी होते हैं और इस स्कूल का एक प्रतिष्ठित नाम है। ऐसे में हत्या का मामला, हत्या की खबर वहां से मिलना वाकई चौंका देता है। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये कि अस्पताल ले जाने में देरी क्यों हुई? क्या जो बच्चे का शव था वो देरी से नोटिस में आया? कई तरह के सवाल हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है क्या कि अस्पताल ले जाने में देरी क्यों हुई, सवाल ये भी है कि वो बच्चा बाथरूम तक कैसे पहुंचा, बाथरूम तक पहुंचा तो वहां पर कौन ले गया उसे, क्योंकि कोई बहुत बड़ा बच्चा नहीं है, 7 साल का बच्चा है। अगर वो बाथरूम तक पहुंचता है तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई उस पर निगरानी रखता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन में हर स्कूल में इस तरीके की, दिल्ली और NCR में कम से कम सुविधा होती है कि उसमें या तो आया उसको उसके साथ जाए या टीचर उसको परमिशन दे। तो इसमें तमाम तरह के सवाल उठने लाजमी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना छोटा बच्चा है जिसकी किसी से दुश्मनी तक नहीं हो सकती है। बड़े क्लासेज में ऐसी बातें कई बार सामने आती हैं कि एक दूसरे से दुश्मनी है, झगड़ा है, लेकिन इस तरीके के मामले नहीं हो सकते हैं। तो इतना छोटा बच्चा, 7 साल का बच्चा बाथरूम जाता है, बाथरूम से उसकी लाश मिलती है, वहां पर उसके गले पर निशान मिलता है, किसी को कानो कान अगर खबर नहीं मिलती तो आखिरकार किसकी लापरवाही है? क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जो स्कूल मैनेजमेंट है वो उसकी जवाबदेही बनती है कि अगर छोटे से छोटा बच्चा अगर सेफ नहीं है स्कूल में तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। और इसी तमाम बिंदुओं पर इस वक्त गुड़गांव पुलिस भी छानबीन कर रही है, खोजबीन कर रही है। बच्चे का जो शव है वो भी अब हॉस्पिटल भेज दिया गया है, वहाँ भी पोस्टमार्टम उसका कराया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो प्रक्रियाएँ हैं वो तो चल रही हैं, लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं कि बड़े स्कूलों में इस तरीके की लापरवाही किस तरीके से सामने आई, वो भी इतने छोटे बच्चे के साथ। कुमार, साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि गले पर निशान पाए गए हैं बच्चे के, क्या उसके शरीर पर कहीं और भी निशान है? पुलिस क्या जानकारी दे रही है इस मामले में कि ये बच्चा आखिरकार उस बाथरूम तक पहुंचा कैसे? क्योंकि अमूमन इतने छोटे बच्चे जब होते हैं तो अपनी क्लास टीचर या फिर अध्यापिका से पूछ कर जाते हैं, वो ऐसे ही अचानक क्लास से निकल कर बाथरूम तक नहीं पहुंच जाते। ऐसे में स्कूल प्रशासन और पुलिस का पक्ष क्या है? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि एक तो कि जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है वो बहुत अहम हो जाएगी, क्योंकि अगर वो क्लास से निकलकर बाथरूम तक पहुंचा है तो निश्चित तौर पर जो बालकनी में जो सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे उसकी फुटेज उसमें बहुत महत्वपूर्ण होगी कि वो कैसे पहुंचा, किस वक्त वो निकला और किस वक्त वो बाथरूम में पहुंचा। और जब ये का वक्त बताया जा रहा है तकरीबन 8:30 बजे का, जब उसका शव बरामद किया गया, तब उस बीच में कितना वक्त गुजरा जब वो क्लास से निकल करके बाथरूम गया था, क्योंकि
बहुत ज्यादा देर की बात नहीं है, आमतौर पर 8 बजे स्कूल शुरू होता है, 8:30 बजे इसकी सूचना मिल जाती है। और दूसरी भी जो बहुत अहम बात है कि जब पहली दफा परिवार को इसकी सूचना दी जाती है तो तबीयत खराब होने की सूचना दी जाती है, ये नहीं सूचना दी जाती है कि उसके साथ कुछ इस तरीके का हादसा हो गया है, उसकी जान चली गई है। ये भी अपने आप में एक बड़ी लापरवाही स्कूल प्रशासन की तरफ से कही जाएगी। तीसरी बात कि क्या वो कैसे बाथरूम तक पहुंचा, क्या उसमें अपने वो क्या क्लास में बैठा था, क्लास से निकल करके गया, अगर निकल करके गया तो किसके साथ गया, क्या कोई बाथरूम में इतना छोटा बच्चा अगर बाथरूम जाता है तो क्या उस पर किसी की निगाह थी। ये तमाम बेहद चौंकाने वाला ये मामला, क्योंकि इसमें कई पक्ष देखने पड़ेंगे, स्कूल प्रशासन जो कह रहा है, पुलिस जो कह रही है, और साथ ही अहम सबूत इस वक्त सीसीटीवी फुटेज पर भी टिका हुआ है क्योंकि उससे कई अहम जानकारियां सामने आ सकती। We'll be right back.